हेलो, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किडनी की किसी भी समस्या के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर किडनी की इन समस्याओं का अब 100% सेफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनीज इन्फेक्टेड हैं या किडनी फेलियर तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किडनी फेलियर में सिम्टम्स बहुत कम हैं। ये बहुत साइलेंटली होता है। एक किडनी फेल होने पर लोगों को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आप अपनी बची हुई दूसरी किडनी के सहारे अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी लेते हैं। इसके लक्षण दोनों किडनीज के फेल होने पर ही दिखाई देते हैं। ऐसे में आपकी बॉडी में स्वेलिंग, उल्टी, कमजोरी या फिर कम यूरिन पास होना, ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं। या फिर अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो आपके रूटीन चेकअप में जाने पर पता चलता है कि आपकी किडनी फेलियर की स्टेज पर है। या फिर अगर आपका बीपी काफी टाइम से बढ़ा है, तो भी आगे जाकर किडनी फेल होने का कारण बन जाता है। अब ऐसे में डॉक्टर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ही सलाह देते हैं। पर अब ना ट्रांसप्लांट की जरूरत है ना डायलिसिस की। किडनी के इलाज में कारगर है आयुर्वेदा, और आयुर्वेदिक इलाज में सबसे ऊपर है कर्मा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा यानी नेचुरल थेरेपी, कोई ड्रग नहीं, बस नेचुरल हर्ब्स। इसके इलाज से आपकी किडनियां फिर से सक्रिय हो जाती हैं। अब सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बढ़ते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए डायलिसिस होता है। अब डायलिसिस मशीन किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकती ना। किडनी का काम प्रोटीन्स को बॉडी में रखना और वेस्ट को बाहर निकालना होता है। पर ये जो हमारी डायलिसिस मशीन है, ये टॉक्सिन्स के साथ साथ प्रोटीन्स को भी बाहर कर देती है। अब जब प्रोटीन इन बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, तो बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलिए, आपने मेंटेनेंस तो करा लिया, पर ट्रीटमेंट का क्या? देखना ये है कि किडनी का GFR यानी ग्लोम्यूरल फिल्ट्रेशन रेट कैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे GFR बढ़ेगा, आपकी किडनी के फंक्शन की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। अब मान लीजिए आप डायलिसिस पर हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन से GFR बढ़ रहा है, तो ये आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा। ग्रेजुअली करेगा, एकदम से नहीं। साइमल्टेनियसली एलोपैथिक मेडिसिंस भी कंटिन्यू रहेंगी, और उन मेडिसिंस के साथ हमारी मेडिसिंस भी कंटिन्यू रहेंगी, और फिर डायलिसिस को रिड्यूस किया जाएगा, देन एलोपैथिक मेडिसिंस को, और फिर हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस को भी रिड्यूस किया जाएगा। तो जैसे ही आपका GFR 15 ml प्लस जाएगा, यानी कि 1 मिनट में आपकी किडनी 15 ml छानने लगेगी, तो आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये हम नहीं बल्कि प्रोटोकॉल कहता है। इसके बाद आप कहीं से भी टेस्ट करा लें, डायलिसिस का सजेशन आपको कोई डॉक्टर नहीं देगा। तो अगर आप भी किडनी की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे डॉक्टर पुनीत धवन से कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कर्मा आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट की बात है, तो पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लिया गया है और आयुर्वेदा पर भरोसा किया गया है। चलिए, किस तरह हमारे डॉक्टर पुनीत धवन ने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की स्टेज पर पहुंचे लोगों को बाहर निकाला है, ये देखते हैं। इनका जो क्रिएटिनिन है वो है 6.70 जब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराया, और इसके बाद इनका जो क्रिएटिनिन हो गया वो हो गया 4.50 जब इनका नेक्स्ट इन्होंने टेस्ट कराया डॉक्टर लालपैथ से, और फिर इन्होंने डॉक्टर लालपैथ से रिपीट कराया, 3.26 हो गया इनका क्रिएटिनिन। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से, और इनको जब ये स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे, इनको डायलिसिस प्रिस्क्राइब कर दिया गया था, लेकिन इनको थ्रू ऑनलाइन हमारा पता चला और ये हमसे जुड़े, और इनको अब डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर है,
इसमें जो पेशेंट का क्रेटेनाइन है वो है 6.5 क्रेटेनाइन है जब ये आए हमारे पास, जो कि घट के हो गया 5.1 एक महीने में, वन मंथ में इनका क्रेटेनाइन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, और नेक्स्ट मंथ आके इनका क्रेटेनाइन हो गया 4। ऑनगोइंग पेशेंट है, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखा आपने, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तभी तो कर्मा आयुर्वेदा कहता है स्टॉप किडनी डायलिसिस।